जिस मुद्दे को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं वो है कृषि शिक्षा में जो निजीकरण कर दिया गया उसको लेकर हम अपनी आज ये हड़ताल कर रहे हैं। हम लोगों ने ये विगत 7 दिनों से ये हड़ताल चल रही है जिसमें कृषि ये छात्रों द्वारा मुंडन किया गया, पुतला दहन किया गया, अर्थी निकाली गई कमलनाथ सरकार की, कृषि मंत्री की। तो और उसके बाद जब कृषि मंत्री को ये पता चला कि आंदोलन चल रहा है तो कृषि मंत्री ने हमको शुक्रवार का टाइम दिया था 14 तारीख को। तो हम लोग सारे जो मध्य प्रदेश के जितने भी 15 कॉलेज हैं वहाँ का प्रतिनिधित्व मंडल जिसमें हम लोग 45 स्टूडेंट ने 45 वो सारे जाके कृषि मंत्री से मिले और कृषि मंत्री को से बात किया कि जो आप कृषि के क्षेत्र में जो निजीकरण कर रहे हो ये कृषि शिक्षा को तो खत्म करेगा ही, उसके साथ जो किसानों को ये भी बर्बादी होगी। उसका कारण ये है कि आज जो कृषि कॉलेज जो पूरे मध्य प्रदेश में सरकारों के जो ICAR के एक्रीडेशन के तहत चल रहे हैं उनमें 5 साल का जो है ICAR एक्रीडेशन देता है, उसके नॉर्म्स एक्रीडेशन देने का नॉर्म्स ये है कि आप 125 एकड़ ज़मीन कृषि कॉलेज के पास होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास लेब टू लैंड प्रोग्राम होना चाहिए, कृषि के छात्र 6 मंथ के लिए रावे पे जाना चाहिए और जो वहाँ पर साइंटिस्ट या प्राध्यापक होते हैं उनके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो PhD होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, उनके रिसर्च पेपर निकलने चाहिए, वही स्टूडेंट मतलब वही प्राध्यापक इसमें एग्रीकल्चर में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसके उल्टा देखा जाए तो जो कृषि के छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं निजीकरण जो विश्वविद्यालय उसमें जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे ना तो 125 एकड़ ज़मीन मिल रही है ना वहाँ पर लेब टू लैंड प्रोग्राम चल रहे हैं और जो वहाँ पर प्राध्यापक या जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वह भी उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना वो PhD होल्डर है ना नेट क्वालिफाई है। तो इसलिए हमने शिक्षा मंत्री को कृषि मंत्री को यह समझाया कि जो ये आप कर रहे हो ये गलत है, लेकिन कृषि मंत्री की पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो उनके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के बच्चों के ऊपर। तो हम लोगों ने बोला कि अगर ये जो आप उनके ऊपर इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो आप ये बच्चे कहाँ जाएंगे जो 2 साल PAT में टाइम देते हैं, 4 साल BSc एग्रीकल्चर करते हैं और आप MSc में इनको एडमिशन दे रहे हैं। तो इस मुद्दों को सर आपका दल आपका जो भी मंडल है वो फाल गया था तो आपके वहाँ IAS अफसरों से आपने मुलाकात करी, उनका एटीट्यूड क्या था आपके मुद्दों का? अगर IAS जो प्रमुख कृषि सचिव है जो उनका व्यवहार रहा है कृषि छात्रों के प्रति उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो उन लोगों ने कृषि को ICAR से जो एक्रीडेशन में जो यूनिवर्सिटियाँ चल रही है JNKV जबलपुर और राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर उसको उन्होंने एक तरीके से फर्जी घोषित कर दिया है। उन लोगों का कहना था कि ICAR जो है वो एक 4 लोगों की कमेटी बना के कुछ भी डिसीजन ले ली तो क्या हम उसके डिसीजन को माने क्या। तो ये आज कृषि सचिव के द्वारा जो ये बयान हमको दिया गया और उससे हम उसके इस व्यवहार से इतने दुखी हुए कि जिस ICAR के कारण जिसको मतलब कृषि में भारत की जननी कहा जाता है ICAR को कृषि के क्षेत्र में जिसने हरित क्रांति लाई, नहीं तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया का लाल गेहूं खाते थे, उस हरित क्रांति के में कृषि का इतना बड़ा ICAR का योगदान है। उसको एक प्रमुख सचिव जो IAS अफसर आदमी अगर इस तरह की बात कर रहा है और कमलनाथ सरकार इस तरह का गलत बात कर रहे हैं उसके मंत्री, तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे बड़ी कृषि की दुर्दशा और किसानों के लिए कोई बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती। सर ये अपना आंदोलन है ये कब तक चलेगा? ये जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है, ये आंदोलन हम तभी वापस लेंगे जब कृषि के क्षेत्र में जो ये निजीकरण किया गया पूरी तरह से बंद होगा। दूसरा जो कृषि में बेरोजगारी बढ़ी हुई है जिसमें 5,000 वैकेंसियाँ खाली है वो जब तक नहीं भरी जाएगी वो पूरा होगा, जिसके बाद इन्होंने जो सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरियाँ जो मध्य प्रदेश में खुलनी थी ब्लॉक लेवल पे उसका निजीकरण कर दिया, जब तक वो निजीकरण का आदेश ही वापस नहीं लेंगे जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। दूसरा जो एक और चौथा मुद्दा जो हमारा है कि उद्यान के विद्यालय जो हैं मध्य प्रदेश में जो ICAR के एक्रीडेशन से चलते उनको भी कृषि संकाय के समकक्ष माना जाए तो ही आंदोलन वापस होगा। ये 4 मुद्दे लेके हम लोग आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए कर रहे हैं और जब तक ये आंदोलन हमारा बंद नहीं होगा और हम विधानसभा घेराव भी करेंगे। सर हमने सुबह सुना कि आप तालाबंदी करने वाले हैं आंदोलन के, तो तालाबंदी आप क्यों कर रहे हैं? तालाबंदी इसलिए कर रहे हैं कि जब एक IAS अधिकारी प्रमुख सचिव कृषि ICAR जैसी संस्था के बारे में इस तरह की बात कर रहा है तो हम मध्य प्रदेश से 50,000 कृषि छात्र अभी तक निकल चुके हैं, वो सब इस बात से बहुत आघात हुए हैं
कि आईसीआर जैसी संस्था को इन्होंने इतने मतलब फर्जी बोल दिया है, और जिसके कारण ये आज जो ये प्रमुख सचिव अगर इस तरह की बात कर रहा है, जो प्रधानमंत्री का विजन है कि 2022 में हम कृषि को आय को दोगुना कर देंगे, वो आप अगर आईसीआर को ही आप फर्जी बता देंगे तो किस आधार पर कर सकते हैं, जो इस पूरे भारत की कृषि की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है आईसीआर, जहाँ के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं उसी के आधार पर आज मध्य पूरे भारत में देखो तो कृषि के में वो जो खाद्यान्न उत्पादन है वो इतना ऊपर आ गया है। नहीं तो हम तो वो देश था 63 और 70 के बीच में कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका यूएस से हमने लाल गेहूँ मंगा के खाया है। तो अगर इसको हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और जब तक कृषि सचिव का वहाँ से उस हटाया नहीं जाता जब तक भी हमारा ये आंदोलन चलता है। सर, आप और आपके साथी जन कल भोपाल गए थे, तो वहाँ पे आईसीआर के बारे में बात हुई थी, क्या उन लोगों का कहना आईसीआर के प्रति कैसा रहा? आईसीआर के प्रति मैंने अभी चर्चा की कि उन लोगों ने आईसीआर को एक तरीके से वो संस्था मानते ही नहीं, उनके लिए ये बोलना है कि आईसीआर नाम की संस्था का हम लोग कोई पालन नहीं करते। दूसरा, उन लोगों ने जो गुजरात हाईकोर्ट का हमने जजमेंट भी दिखाया कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि ये जो निजीकरण किया जा रहा है गुजरात में उसको बंद किया जाए, तो कृषि सचिव का कहना ये पड़ रहा था कि वो निजीकरण बोले कि वो हाईकोर्ट के वहाँ के नियम है वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होते। तो क्या जो हाईकोर्ट के नियम, जो कोई भी अगर आज इतना बड़ा हाईकोर्ट अगर जजमेंट दे रहा तो वो तो आज के आईएएस तो उसको भी नकार रहे हैं। तो ये सरकार तो पता नहीं बंटा ढार करने वाली है कृषि क्षेत्र में और कृषि के किसानों के साथ। तो हम लोग तो जब तक कृषि सचिव की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है और उसको जब तक उसके पद से भी हटाना चाहिए। हम तो कृषि मंत्री और माननीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि प्रमुख सचिव को तो हटा दिया जाए। सर, अपने यहाँ दो तरह के कॉलेज चलते हैं एग्रीकल्चर के, एक प्राइवेट कॉलेज एक सरकारी कॉलेज, तो इन दोनों में जो प्राइवेट के प्रति जो अपन विरोध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अब इन दोनों का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो हो रहा है कि एक आईसीआर डिग्री दे रहा है और एक यूजीसी डिग्री दे रहा है। आईसीआर जो डिग्री दे रहा है, जो हम कृषि छात्र हैं वो 60 नंबर में पास होते हैं, यूजीसी जो डिग्री दे रहा है वो 35 नंबर में पास हो रहा है। तो अगर आप देखो तो एक ही प्रदेश में दो तरह की डिग्रियां बढ़ रही है। आप किसको, आईसीआर को सही मानोगे कि यूजीसी को सही मानोगे? तो हम लोग इसका ये बोल रहे हैं कि जब आईसीआर पूरी तरह से कृषि को पूरा कंट्रोल करती है जिसके नॉर्म चलते हैं, क्या यूजीसी में वो सारे नॉर्म फॉलो करने का है? तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो निजीकरण कर दिया गया। और दूसरा, एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय जो जितने भी हैं यूनिवर्सिटी आईसीआर के एक्रीडेशन में, उसमें एक बैच में जो पीएटी देता है बच्चा, तो एक बैच में सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही होते हैं। और यहाँ पर कोई मतलब प्राइवेट कॉलेज का देखो तो वहाँ 400,000 स्टूडेंट एक बैच में निकल रहे। अगर 21 यूनिवर्सिटी अगर ये चल रही है निजीकरण की संस्थाएं जो प्राइवेट में चल रहा है, अगर इनका अगर आप एवरेज निकालो तो 8,000 स्टूडेंट निकलेंगे। तो आप एक तो अनुपात में तो एग्रीकल्चर में कोई पोस्ट निकाल नहीं रहे हो, 10-15 साल से आपने कोई एग्रीकल्चर में रिसर्च में कोई पैसा दिया नहीं, और ऊपर से बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। ये जब बच्चे आपके प्राइवेट करके डिग्री लेके घूमेंगे तो ये जो भी सरकार ये रहे या आने वाली सरकार है दोनों के लिए नुकसानदायक है, और ये बेरोजगारी और चरम पे चली जाएगी। जो रोजगारी नहीं दे पा रहे इस सरकार में, जो हम लोग 20,000 बेरोजगार बैठे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कृषि के चार, उनको पूरी सर ये आंदोलन अभी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में हो रहा है, आपके साथ साथ और कौन कौन से कॉलेज हैं और आप कितने बड़े लेवल पर आंदोलन कर रहे हैं? जो ये है हम लोग, ये नहीं सिर्फ कृषि महाविद्यालय इंदौर में ही नहीं चल रहा है, ये दोनों विश्वविद्यालय राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के तहत जितने भी 15 कॉलेज आ रहे हैं उनमें एक समान रूप से चल रहा है, सभी तो समर्थन कर ही रहे हैं। इसमें जो दूसरे एसोसिएशन है जैसे एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा आईसा आपके और ये तो, और एल्यूमिनी जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एल्यूमिनी इंदौर की वो सपोर्ट कर रही है, आग सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो किसान संगठन है आम किसान यूनियन कृषि, हमको समर्थन मिला हुआ है, हमको रोको ठोको जो किसान संगठन है उसका मिला है, भारतीय किसान संघ का मिला है। तो इसलिए हमारे पास आज 22-25 संगठनों का हमारे पास समर्थन है। उसके अलावा हम पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 कृषि छात्र हैं, जो अभी हम लोगों ने ये विचार किया है कि सारे जो 50,000 स्टूडेंट हैं जो कुछ कृषि के क्षेत्र में निजी क्षेत्र में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं और जो यहाँ पे इस क्षेत्र में हैं, उन लोगों को कहा गया कि सरकार के खिलाफ हर गांव में जाके हम 15,000 से 20,000 गांव में जाएंगे और वहां पर सरकार के खिलाफ जो इनकी जो कृषि नीति है जो किसान विरोधी और कृषि छात्र विरोधी उसके बारे में
ग्रामीण क्षेत्रों में बताएंगे, उनका भी समर्थन हासिल करेंगे। सर आपका नाम बताएं, आपका इस आंदोलन में क्या हुआ? राधे जाट, कृषि छात्र हूँ। हम लोगों ने एक संस्था बनाई इंदौर में जिसका नाम है एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा, जिसके तहत हम लोग इन बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं और इसको अंतिम लड़ाई तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाय हार्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ और इस आंदोलन के अंजाम तक लेके जाते हैं जाके लेके जाएंगे। और अगर आज इस कृषि क्रांति हमको करना है इस देश में, इसलिए करना है कि अगर आज अगर हमने अगर कृषि क्रांति नहीं की तो ये जो भी सरकार आती है, पिछली सरकार हो या ये सरकार, इस कृषि के क्षेत्र और किसान को बर्बाद कर देगी और उसको हम होने नहीं देंगे। अगर कृषि में की क्रांति में किसी का बलिदान, हम लोगों का बलिदान भी मांगती है अगर ये क्रांति, तो हम बलिदान देने को तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा और हमारी बात जो कृषि छात्र की जो जायज़ मांग है उनको मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो ये आंदोलन एक वृहद रूप लेगा। और हम तो अभी मध्य प्रदेश में, इसके अलावा अगर हम चाहेंगे तो जो भारत के जितने भी कृषि छात्र हैं उनको भी को भी निवेदन कर रहे हैं कि वो भी इस आंदोलन में जुड़े, किसान जुड़े, क्योंकि ये कृषि के छात्र जब कृषि के क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों को ही भला करते हैं। तो अगर कृषि के क्षेत्र में फर्जी कॉलेज के लोग चले जाएंगे तो किसानों का भला नहीं कर सकते और ये देश की बर्बादी होगी, और हमको इस देश की और ना इस मध्य प्रदेश की बर्बादी नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए पूरी जोर विरोध करेंगे और मरते दम तक इसका लिए लड़ते रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।